दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास है हीरो स्प्लेंडर प्लस का एक हेड। तो भाई हमने जो है, जो हमारे पास ये बाइक है, इसके अंदर हमने काम करना है रिंग पिस्टन का। साथ ही दोस्तों जो ये हेड है, इसकी ये गाइडें कट चुकी है और हमने इसके अंदर ये UIL कंपनी के वाल्व डाले हैं। साथ ही दोस्तों जो इसके अंदर ये गाइडें हैं, इनको भी हमने चेंज कराना है। तो पहले तो हमारे ये अंकल जो हैं, इसके अंदर कटिंग कर देते हैं जो हमारी ब्लॉक किट है, और उसके बाद चलिए वो तो बाद का काम है, वो तो मशीन अपना काम करती रहेगी। लेकिन देखिए जो हमारे पास ये हेड है ना, इसके अंदर मैं आपको ये एग्जॉस्ट वाल है, इसको चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है काफ़ी प्ले हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों जो हीरो की पुरानी बाइक है ना, इनके अंदर वाल का कट जाना आम बात है। लेकिन चलिए वाल तो चेंज हो जाती है, लेकिन इनके साथ साथ जो इनकी गाइडें होती है ना, ये इनलेट और ये एग्जॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा कटती है। चलिए एग्जॉस्ट तो तकरीबन बहुत ही कम कटती है, वो तो कभी कभार केस आता है, लेकिन जो इनलेट गाइड होती है ये सबसे ज़्यादा कट जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका ये इनटेक वाल है ना, तो इसके अंदर भी काफ़ी प्ले हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बार बार इसके अंदर वाल डालेंगे ना, तो जो टैपेट की मेन साउंड होती है वो बंद नहीं होगी, क्योंकि जहाँ तक मैकेनिक भाई क्या करते हैं, इनके अंदर वाल तो चेंज करा देते हैं, लेकिन जो इसकी मेन गाइड होती है इनलेट, तो उसको वो चेंज नहीं कराते। तो इसके चलते होता क्या है दोस्तों, वाल तो हमने नए चेंज करा दिए, लेकिन वहाँ पर अगर आप नए कैम रोकर भी डाल दोगे ना, तो वहाँ पर पूरी तरह से वाल फ्रेश नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर जब हम बाइक के अंदर एक्सेलेटर देते हैं तो वहाँ पर जो है उससे झंझनाहट की आवाज़ आने लगती है। तो ऐसे में दोस्तों उसका जो मेन रोल होता है वो है उसकी गाइड। तो दोस्तों जो हमारे पास ये इनलेट और ये एग्जॉस्ट गाइड है, तो आप इनकी ये प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। जो मेरे पास ये ओरिजिनल हीरो की दोनों गाइडें हैं, इनटेक की और ये एग्जॉस्ट की, तो इनकी 40 रुपये लिस्ट है दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सस्पेंस भरा क्वेश्चन पूछ लूं, कि यहाँ पर आपने मेरे को ये बताना है कि देखिए जब हमारी बाइक के नॉर्मली वाल कट जाते हैं, तो यहाँ पर हमें ये पता लग जाता है कि इसके वाल कट चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम जब हेड को खोल देते हैं और हम नया वाल चेक करते हैं इनलेट वाला, तो वहाँ पर हमें ये भी पता लग जाता है कि इसके अंदर प्ले है, कि मतलब कि जो गाइड है वो कट चुकी है या नहीं, तो वहाँ पर ये नॉर्मल बात है। लेकिन आप लोगों ने जो है मेरे को ये बताना है कि हम बाइक को स्टार्ट करते वक्त ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इसकी गाइड भी कट चुकी है, ये एक अहम क्वेश्चन है। इसके ऊपर दोस्तों मैं बहुत जल्द डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बाइक की जो इनलेट गाइड है कि वो भी कट चुकी है या नहीं। नॉर्मली बाइक के वाल को तो हम पता लगा लेते हैं, वो ओपन भी कर लेते हैं मान लो हेड को, और वहाँ पर ये चेक भी कर लेते हैं उसके अंदर वाल डाल के कि इसकी जो है गाइड भी कट चुकी है, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन हमें ये कैसे पता लगता है कि जो एक बाइक है वहाँ पर स्टार्ट है, उसकी हमें ये इनलेट गाइड कैसे पता लगानी है कि वो कटी हुई है या नहीं। दोस्तों इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आएगा, तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हम दोस्तों आपके लिए इसी तरह से प्रैक्टिकल वाले, नॉलेजफुल वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे खाद वाले होते हैं ये किस प्रकार से हेड के अंदर ये गाइडें लगवाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो है इस हेड को ना कपड़े के ऊपर रख लेते हैं, और एक जो इनके ऊपर ये सुंबा होता है थोड़ा, जिसके अंदर ये होल होता है, तो इसके ऊपर से हीट करते हैं और इन गाइडों को ऐसे बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, जो ये हेड है ना, इसके अंदर से सिर्फ गाइडें नहीं निकलती हैं, तो यहाँ पर देखिए जो इसके अंदर ये गाइडें लगी होती है ना, इनके अंदर दो छोटे छोटे रिंग भी लगे होते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, जो मैं आपको ये रिंग अभी देखें निकालने वाले हैं, इनको मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इन दोनों गाइडों में ये ओरिंग दिए होते हैं ना, ये क्या काम करते हैं, देखिए जो हमारी कोई भी सील होती है वहाँ पर एक ओरिंग जरूर होता है, चाहे वो उसको हम ओरिंग बोलें या वहाँ पर उसको सील का नाम दे दें। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे ये टैपेट कवर के ढक्कन होते हैं, तो इनके ऊपर ना जो रिंग होते हैं, वहाँ पर दो रिंग दिए होते हैं, या मतलब कि कोई भी जहाँ पर हम ये कवर लगाते हैं ऑयल को रोकने के लिए, तो वहाँ पर मामूली बात है एक रिंग का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये रिंग है ना, इन दोनों को गाइडों में ऐसे लगाया जाता है ताकि ये जो है ना ऑयल के रिसाव को आगे ना जाने दें। ये इसलिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इन दोनों गाइडों में ये रिंग रखे गए हैं। अगर मान लो इनको नहीं भी रखा जाता है, तो होता क्या है, जब मान लो आप अपनी बाइक के हेड को मतलब कि इंजन को फिट कर देते हैं, तो उसके बाद मान लो जैसे आप 10-15 किलोमीटर अपनी बाइक को चला कर लेके आते हैं ना, और खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद मान लो एक घंटे बाद अपनी बाइक को आप स्टार्ट करते हैं,
तो वहाँ पर होता क्या है, जैसे ही बाइक को आप स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ पर जो है बाइक स्टार्ट होने पर वाइट स्मोक देगी, ये आपने याद रखना है। तो जब जब दोस्तों आप अपनी बाइक को ऐसे चला कर आओगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर जो है आपकी बाइक वाइट स्मोक देगी। वो इसलिए क्योंकि जो अंदर इंजन के अंदर ऑयल होता है ना, तो वो जो अगर ये ओ रिंग इसमें नहीं रखे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे एक सील कट जाती है और धीरे धीरे वहाँ से ऑयल का रिसाव होने लगता है ना, तो ये भी दोस्तों वहाँ पर जो है ऑयल का रिसाव आगे जाएगा। और ये आगे जाने के बाद हेड में जब दोस्तों इनलेट वाल पर आ जाएगा ना और एग्जॉस्ट वाल पर, तो वो पेट्रोल के साथ मिक्स होगा, और जैसे ही मिक्स होगा तो वहाँ पर बाइक जैसे स्टार्ट होगी तो दोस्तों वहाँ पर पेट्रोल में जैसे कि हम ऑयल डाल देते हैं इंजन ऑयल, तो वो वाइट स्मोक दिखाने लगती है। तो वहाँ पर भी दोस्तों यही काम होता है। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर जो ये ओ रिंग होती है इनका ये मेन काम होता है। तो इसके बाद खराद वाले क्या करते हैं, जो ये इसकी गाइडें होती हैं इनको आगे थोड़ा सा घिसा लिया जाता है, ताकि कोई भी हो ऐसी चीज़ उसको आगे से नुकीला किया जाता है जब उसको कहीं पर हम ठोकते हैं, जैसे कि कोई कील होती है, क्योंकि ये हेड में एकदम से अंदर चली जाए और ये टेढ़ी मेढ़ी नेट ठोके, तो इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा आगे से इसके फेस को घिसा लिया जाता है। और इसके बाद देखिए जो हेड में अंदर ये सीट बनी होती है इनको थोड़ा कपड़े से साफ़ किया जाता है, यहाँ पर जो ऑयल लगा होता है। इसके बाद देखिए जो है इसको ना ऐसे रख लिया जाता है, और ये जो हमारी जो वाल की गाइड होती है इसको ऊपर से सीधा अंदर ठोक दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा ऐसे रख लेते हैं, और जो इनके पास ये होल वाला सुम्बा होता है इसको ऊपर से रख के इसके ऊपर हीट करते हैं और ये गाइड अंदर ठोक दी जाती है। तो दोनों गाइडों को दोस्तों ऐसे ही अंदर सीधा ठोक दिया जाता है। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपसे एक सस्पेंस भरा क्वेश्चन और पूछ लूं, तो आपने मेरे को ये बताना है कि इनमें जो दोनों गाइडें होती हैं किसी भी बाइक में, कौन से वाली छोटी होती है और कौन से वाली बड़ी, मतलब कि इनलेट वाल की कौन सी है और एग्जॉस्ट वाल की कौन सी है, मेरे को आपने ये बताना है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे मैकेनिक हैं तो आपको दोस्तों इन बातों की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों खराद वाले क्या करते हैं, जो इनके पास ये हैंड रिमर होता है ये स्पेशल दोस्तों इनकी गाइडों के लिए ही होता है, तो यहाँ पर ये जो है स्टैंडर्ड नंबर होता है इसको अंदर ऐसे घुमाया जाता है ताकि जो वाल होता है ना वो पहले इसके अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर वाल को अंदर डालने के लिए इसको देखिए यहाँ पर जो है बार बार चेक किया जाता है जो इसका इनलेट वाल है, और अगर ये टाइट होता है तो इसको एक बार और जरूर इसके अंदर ये घुमा लिया जाता है। इसके अंदर हल्की सी नाम मात्र ही दोस्तों प्ले छोड़ दी जाती है ताकि वाल जो है जल्दी से साउंड ना करे। तो इस प्रकार ये जो इनके पास एक हैंड रिमर होता है ना, ये इस प्रकार से इनके अंदर ये घुमाया जाता है, इनलेट गाइड के अंदर भी और एग्जॉस्ट वाली गाइड के अंदर भी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो ये वाल होता है ना इसको इसमें डाल दिया जाता है और इसके ऊपर थोड़ी एमरी लगाई जाती है, और ऊपर से इसको थोड़ा घुमा के यहाँ पर ये चेक करते हैं कि वाल जो है पूरे फेस पर चला हुआ है या नहीं। कई बार मान लो जो इसकी सीट है ये आउट हो जाती है, तो इसको जो दोस्तों ये जो है ना अपने एक जो इनके पास ये कटर होते हैं, देखिए जो मैं आपको ये कटर दिखा रहा हूँ, इससे इसकी कटिंग करते हैं और इसकी वाल की सेटिंग की जाती है, ये आपने याद रखना है। कभी भी दोस्तों जो खराद वाले होते हैं ना गाइडें लगाते हैं इनको ऐसे ही ठोक दिया और उसके बाद वाल को जो है ग्राइंड कभी नहीं किया जाता, यहाँ पर पहले इसको ये चेक किया जाता है कि वाल जो है प्रॉपर तरीके से इसके फेस के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है या नहीं। अगर ये थोड़ा भी आउट होता है तो यहाँ से जो है कंप्रेसर लीक होने लगता है, ये आपने याद रखना है। तो खराद वाले इसको ज़रूर चेक करते हैं, और उसके बाद जो है इसकी सीट अगर आउट होती है तो उसको यहाँ पर ये कटर के द्वारा इसको बिल्कुल सही किया जाता है, तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इनके पास ये इतने सारे कटर हैं ना, ये अलग अलग बाइक के हेड के लिए ही इनके पास ये लगते हैं, जैसे कि हीरो की बाइक में अलग लगते हैं, बजाज की अलग, पल्सर में अलग, डिस्कवर में अलग, यामा में अलग, तो सब में दोस्तों अलग अलग तरीके के जो नंबर होते हैं ना अलग अलग, मान लो ये सीट है तो इनमें अलग अलग नंबर का ये कटर लगता है, तो यहाँ पर इसलिए दोस्तों इनका ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार जो है इनको कटर को जो है इस्तेमाल करके यहाँ पर ये इसकी सीट को चेक करते हैं, और उसके बाद वाल को यहाँ पर चेक किया जाता है कि ये बराबर अपनी सही सीट पर चलता है या नहीं। तो इसके बाद जैसे दोस्तों ये इसको सेट कर देंगे ना, तो यहाँ पर इसके बाद ये वाल को जो है ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मेरे को जो है आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमें कभी आज तक जो है इनमें गाइडें लगते हुए नहीं देखी हैं, और ना ही खराद वाले किस तरीके से ये जो है वाल को ग्राइंड करते हैं ये भी कभी नहीं देखा है। तो हमें बोल दिया जाता है कि आपने जो खराद वाले के पास ये सामान बस छोड़ के आ जाना है और उसके बाद लेकर आ जाना है कि आपने इसके अंदर ये काम कर देना है। तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिक हैं दोस्तों जो काम सीख रहे हैं, मतलब कि आगे बंदे जो काम करते हैं, लड़के काम सीख रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से हेड को जो है रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर जो वाल की गाइडें होती है उनको कैसे लगाया जाता है, बोर कैसे करते हैं, क्रैंक कैसे करते हैं। तो इन सब काम के बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि हमें दोस्तों सिर्फ सामान को फिट किया
और बाइक को चलता कर दे दिया। हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि क्या काम जो है किस तरीके से किया जाता है, कैसे होता है, और उसकी दोस्तों थ्योरी और प्रैक्टिकल करने का क्या क्या तरीका होता है। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं, ये अहम जानकारी है, इस तरह की जानकारी आपको कोई नहीं देगा। दोस्तों जो हमारी कोई भी बाइक होती है ना और उसके अंदर जो वाल्व डले हुए होते हैं तो वो हमेशा 45 डिग्री पर काम करते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे कोई भी बंदा पूछ ले, आपका सीनियर, या आप कहीं पर दोस्तों इंटरव्यू देने चले जाएँ बाइक के मामले में, तो आपने ये बताना है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके वाल कितने डिग्री पर काम करते हैं, तो आपने दोस्तों ये बताना है कि हमारी जो बाइक के वाल होते हैं वो हमेशा 45 डिग्री पर ही काम करते हैं। ऐसी जानकारी दोस्तों आज तक आपको शायद किसी ने दी नहीं होगी और ना ही शायद देगा, क्योंकि ऐसी यूनिक जानकारियाँ जो होती हैं दोस्तों हर किसी को इनके बारे में नहीं पता होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब जो है हमारी स्प्लेंडर बाइक का हेड कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर हमने जो है ओरिजिनल गाइडें लगवा दी हैं। तो हमारे खराद वाले दोस्तों इस तरीके से जो है इनके अंदर ये गाइडें लगवाते हैं, तो आपके खराद वाले भी दोस्तों शायद इसी तरह से ये लगाते होंगे। थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा काम करने का तरीका दोस्तों, लगभग थोड़ा बहुत 19-20 किसी किसी का अलग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आज मैंने आपको दिखाया, तो इस प्रकार से इनके अंदर ये ओरिजिनल गाइडें लगाई जाती हैं और उनमें मैंने आपको ये जानकारी दी जो इनके अंदर ये गाइडों के अंदर रिंग होते हैं और ये 45 डिग्री पर जो वाल काम करते हैं। तो दोस्तों इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर दोस्तों आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।